हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवन टेक्नो यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने फिजिकल सिम कार्ड को ई सिम कार्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पे ई सिम कार्ड का भी फीचर दे दिया गया है बहुत सारे स्मार्टफोन पे, तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं अगर आपके पास एयरटेल का ई सिम कार्ड आप यूज़ करना चाहते हैं और आप ऑलरेडी पहले से फिजिकल सिम कार्ड यूज़ करते हैं एयरटेल का, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप ई सिम कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको एक्टिवेट करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और सर्च करना होगा एयरटेल थैंक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एयरटेल थैंक्स ऐप। इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। और दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जो एयरटेल नंबर है उसके साथ इस एप्लीकेशन को साइन अप कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे आना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टकट्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे रिचार्ज, बिल पे। इसके नीचे देख सकते हैं एक नया ऑप्शन आ चुका है अपग्रेड टू ई सिम कार्ड। तो आप अपने फिजिकल सिम कार्ड को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं ई सिम कार्ड में, वही मैं आपको बताने वाला हूं। अपग्रेड टू ई सिम कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं बता रहा है गो डिजिटल विथ एयरटेल ई सिम, इट्स सेफ एंड स्मार्टर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस प्रकार से बिल्कुल मतलब आप फिजिकल को यहाँ पर आप बिल्कुल डिजिटल में ई सिम यूज़ कर पाएंगे। कुछ प्रोसेस दिया गया है कि कैसे आपको क्रिएट करना है ई सिम कार्ड, रिक्वेस्ट कैसे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि इसमें 24 घंटे का समय लगता है एक्टिवेशन में ई सिम का। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी मोबाइल नंबर आप ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, वो नंबर इंटर कीजिएगा। आप इसी डिवाइस के लिए करना चाहते हैं तो आप दिस डिवाइस पर क्लिक कीजिएगा, अगर दूसरे किसी डिवाइस के लिए तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं दिस डिवाइस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि आपका जो डिवाइस है उसमें ई सिम सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। यहाँ पर बता रहा है कि इंटर 32 डिजिट ई आई डी नंबर। ये ई आई डी नंबर क्या होता है, कैसे निकालना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं बता रहा है कि ई आई डी इज डिवाइस स्पेसिफिक, कॉपी और स्कैन इट फ्रॉम योर डिवाइस। तो फाइंड ई आई डी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि 32 डिजिट का आपको डिवाइस स्पेसिफिक कोड आपको निकालना होगा। इसके लिए आपको बता रहा है कि ऑप्शन वन में गो टू, सबसे पहले आप जाइए सेटिंग्स में, फिर जनरल में जाइए, फिर अबाउट में जाइए, ई आई डी को आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए, 32 डिजिट का जो नंबर है वो आपका यहाँ से कॉपी हो जाएगा। ऑप्शन टू में आपको बताया गया है कि आप डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर *#06# फ्रॉम योर मोबाइल टू गेट ई आई डी नंबर। तो आप सिंपली अपना डायल फीड में जाइए और उसके बाद *#06# डायल कर दीजिए, आपके सामने ये नंबर आ जाएगा, फिर आप इस नंबर को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है। तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से ई आई डी नंबर इंटर करके कॉपी कर लीजिएगा वहाँ से निकाल के, फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे गेट ई सिम भाया ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ओटीपी के माध्यम से अगला प्रोसेस हो जाएगा और आप अपना सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बता रहा है कि यह कैसे काम करता है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है और इसे आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, इससे आपके लिए क्या बेटर होगा, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें तो आपको किसी भी सिम कार्ड अगर आपका मान लीजिए फिजिकल रहता है तो खो जाता है तो बंद कराना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है। ठीक है, तो ई सिम कार्ड आपका जो सिम होगा वो बिल्कुल आपका मतलब एक डिजिटल होगा, वो आपका मतलब मोबाइल पे एक्टिवेशन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको किसी प्रकार का फिजिकल जो सिम कार्ड होता है उसको कैरी करने का आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें डैमेज होने का कोई भी डर रहता है। ठीक है, आप ई सिम को आसानी से किसी दूसरे डिवाइस पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्विक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ई सिम और ई सिम कार्ड। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बता रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ़ ई सिम, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया है कि आप फिजिकल सिम से कैसे अपग्रेड कर सकते हैं ई सिम में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।